सीएम राइज विद्यालयों पर शासन प्रशासन की अधिक अपेक्षा है। इसके लिए शिक्षकों को बेहतर परिणाम देना होंगे, कमजोर विद्यार्थियों का चिन्हांकन कर और उन्हें विषय के मान से विशेष ध्यान देकर अध्यापन कार्य कराया जाए, निदानात्मक कक्षाओं का नियमित संचालन किया जाए। यह बात जिला शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र कुमार कानोड़े ने सीएम राइज स्कूल कसरावत के औचक निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को संबोधित करते हुए कही। जिला शिक्षा अधिकारी कानोड़े ने कहा कि आप अपने विषय पर विशेष ध्यान दीजिए, प्रश्न पत्र के पैटर्न के आधार पर बच्चों को परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाए, विशेषकर कमजोर बच्चों पर फोकस कर उनकी समस्याओं का निराकरण कराया जाए, लक्ष्य के अनुरूप परीक्षा परिणाम 100% आने वाले प्राचार्य एवं शिक्षकों को सम्मान दिया जाएगा, लेकिन जिन शिक्षकों का परीक्षा परिणाम अपेक्षाकृत कम आएगा उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। आपको कुछ बताना चाहिए, परीक्षा का समय अभी पास में आ रहा है, एक माह से ज्यादा समय नहीं है और इंदौर भोपाल या जिले से सभी जगह निरीक्षण दल बने हुए हैं। तो पहला काम तो मैं आपको यही निर्देश देना चाहूँगा कि बिल्कुल समय पे 10 बजे आप सभी लोग अपने स्कूल में यहाँ पर उपस्थित हो जाए, फिर जो प्रार्थना है वो हो जाए। उसके बाद आपका जो कोर्स है चुनाव के कारण या अन्य कारणों से पूरा नहीं हो पाया हो तो अतिरिक्त कक्षाएँ लगाना शुरू करो। आप अतिरिक्त कक्षा का टाइम टेबल सर बना देंगे, अगर पहले से बना है तो अच्छी बात है। तो सभी विषयवार आप अपनी समीक्षा करो, आपको पता होना चाहिए या आपको पता होगा कि कौन से विषय में अपन पीछे हैं या कोर्स कम हुआ है, कितने बच्चे अच्छे हैं या कितना ए के लायक है, कितने बी के बी ग्रेड के लायक है, कितना सी और कितना डी, ये आपको अंदाज़ा होगा। क्लासरूम में आप रोज़ जाते हो, अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो आपको ये पता होगा, उस हिसाब से देखो कि कमज़ोर बच्चे कौन है, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना। फिर अपने अपने विषय में कम से कम 40 से 50 प्रश्न जो मुख्य मुख्य है जो हर बार आते हैं उनको तैयार कराओ, उनको गृह कार्य भी दो जिससे वो याद करके आए, फिर दूसरे दिन उससे पूछो भी, तो सबको प्रश्न भी अलग अलग दो। अलग अलग देने से क्या होगा, सभी बच्चे थोड़ा थोड़ा तो कुछ तो बताएंगे, तो जब एक दूसरे में सुनेंगे तो उनकी एक तरह से अच्छी तैयारी हो जाएगी, सामूहिक रूप से ग्रुप डिस्कशन टाइप हो जाएगा, एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे को सुनेंगे तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, बच्चों का भी बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन बच्चा कमज़ोर है, वो आपको पता चल जाएगा। जो पीछे हटेगा, जो दबे स्वर में रहेगा तो पहचान में आ जाएगी ये कमज़ोर है या बता नहीं पा रहा है, तो जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं को बता नहीं पा रहा लेकिन वो उसको याद रहता है, तो ये सब को थोड़ा चयन करना आपको। तो जितना भी कोर्स अभी आपका हुआ है और यदि हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।